हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच। आज स्टैंडर्ड नाइन्थ का हम पॉलिनोमियल चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर चालू करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं। यहां पे पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो शुरू करने से पहले हमें एलजेब्रा के कुछ ऐसे पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे जो आप एक्चुअल में सेवन्थ एट्थ में पढ़ के आए हो, लेकिन थोड़े ब्रॉड लेवल पे यहां पे हमें उसको देखना है। कुछ नई हमें प्रोसेस को जानना है, कुछ नई मेथड्स को जानना है, क्लियर। वो सारी चीजों को मैंने लेक्चर नंबर वन के अंदर एज अ बेसिक लेक्चर बनाया है, जिसको उस लेक्चर के अंदर मैंने सारी चीजों को क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। वो सारी चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा लेक्चर के अंदर, और ये सारी बातों को आप लोग मेंशन कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, चालू करते हैं लेक्चर नंबर वन। चलिए, पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल एल्जेब्रा का लीड चैप्टर कहा जाता है। पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर्स एल्जेब्रा के लीड चैप्टर कहे जाते हैं, क्लियर। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो उनमें से एक चैप्टर है। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे जो भी डिस्क्राइब किया है वो सारी बातों को एज अ बेसिक लीजिएगा, ये बहुत ही काम में आने वाला है आपको। दूसरा, मैंने आखिर में वहां पे वो भी दिखाया हुआ है कि हमें नाइन्थ स्टैंडर्ड के सेकंड लेसन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज को वहां पे मैं मेंशन करूंगा कि इतनी इतनी एक्सरसाइज के अंदर हमें इतना इतना पढ़ना है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे है? एल्जेब्रिक यानी कि एल्जेब्रा जो दिखाता है ऐसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो जिस टर्म, जिस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस की साइन आती हो, जिसके अंदर वेरिएबल्स आते हो, जिसके अंदर कॉन्स्टेंट आते हो, क्लियर, उन सारी बातों को क्या कहते हैं? वो तीनों का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड कंबाइन करने के लिए प्लस और माइनस की जो साइन है उन दोनों को, वो सब कुछ क्या कहा जाता है? एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वहां पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल या कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल, क्लियर। प्लस वेरिएबल, इन शॉर्ट यहाँ कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का टोटल जो होता है, इन दोनों का ऐड करो, वो चाहे आप ऐड भी कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई टर्म में भी लिख सकते हो। मैंने नीचे एग्जांपल भी बहुत सारे लिखे हुए, क्लियर। पर याद कीजिएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दो चीजें होती है, प्लस प्लस और माइनस के अंदर साइंस होती है, क्लियर। और उनके अंदर जो वेरिएबल होते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा वेरिएबल, वेरिएबल सर बार बार बोल रहे, वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब कि अननोन टर्म, अल्फाबेटिकल कोई भी वहां पे हो सकता है, एबीसीडी कोई भी हो सकता है, क्लियर। वेरिएबल जो हमें, जो इंशर्ट ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके एक्सप्रेशन के ऊपर कि वो क्या हो सकती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई इसकी एक्स की वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया हुआ है एक्सक्वायर थ्री एक्स फोर वाई वगैरह, क्लियर। तो उसमें वाई की और एक्स की और एक्सक्वायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू डिपेंड करेगी एक्सप्रेशन के ऊपर, ना कि कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, क्लियर। यानी कि चेंजेबल जो वैल्यू होती है, जो चेंज हम कर सकते हैं, जो हमें पता नहीं है पर हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो कौन सा कहा जाता है? वेरिएबल। वो टर्म क्या कहा जाता है? वेरिएबल, याद रखिएगा खास। दूसरी बात, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट मीन व्हाट? कांस्टेंट मतलब उसके अलावा जो ये नंबर यहाँ पे दिए हुए, जो कभी बदल नहीं सकते, थ्री, तो थ्री दुनिया में एक ही है, थ्री। अब थ्री के इक्वल टू हम सिर्फ थ्री लिख सकते हैं, दूसरा कुछ लिख सकते हैं नहीं, फोर, थ्री, फोर, इन शॉर्ट जो नंबर्स है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑल अदर नंबर्स कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल के अलावा जो अदर नंबर है वो सारे के सारे क्या कहा जाते हैं? कांस्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे देखिए, मैंने मेंशन किया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, उसके जैसे जो भी अल्फाबेटिकल मेरे पास वर्ड फॉर्मूला है, जो यहाँ पे टर्म दिए हुए, वो सब क्या कहे जाते हैं? वेरिएबल। समझ में आ गई बात? सबसे पहला टर्म समझ में आ गया, याद रखिएगा, पूरी वीडियो को शांति से देखिएगा, समझ में आएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि एल्जेब्रिक पोर्शन, एल्जेब्रिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता कैसे है, उसको सॉल्व आउट कैसे दिया जाता है, क्लियर। चलिए, उसके बाद बात करते हैं टर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नोमियल्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स मीन्स एक प्रकार का टर्म, एक टर्म बेस्ड, जैसे कि मेरे पास एक टर्म है तो उस प्रकार के नोमियल्स को, उस प्रकार के एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे? यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, टर्म बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन टर्म, टर्म के डिपेंड पे उसको किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज मैंने नोमियल्स लिखा हुआ है, क्लियर। क्योंकि अगर एक टर्म होता है तो मैं उसको मोनोमियल्स कहता हूँ, एक्चुअल में उसको बोला जाता है मोनोनोमियल। मोनो मीन्स वन, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोनो मतलब क्या होता है? वन। मोनोनोमियल्स मीन्स कि भाई जहां पे एक ही टर्म है पर लिखा जाता है मोनोमियल्स। क्या मोनोमियल्स क्या होता है? जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, सिर्फ वन टर्म, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होता है वो क्या कहा जाता है? मोनोमियल। देखिए 2x,
अब देखिए यहाँ पे दो टर्म नहीं है, ये पूरा एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई टर्म है। जैसे कि 2 इंटू 3 होता तो 3 टू 6 हो जाता, टर्म तो एक ही है। अब x की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जब टर्म ढूंढेंगे तब उसको यहाँ पे रखेंगे तो टर्म क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। याद रखिएगा खास, क्लियर। जैसे ये एक टर्म है, स्क्वायर वाला भी एक टर्म हो सकता है, ये भी एक टर्म हो सकता है, क्लियर। लेकिन साथ में कोई एडिटिव या सब्स्टिट्यूट टर्म होना चाहिए, नहीं वरना वो दो टर्म हो जाएंगे। अगर वो दो टर्म हो जाते हैं, टू टर्म, देन इट्स कॉल्ड बायनोमियल। दो टर्म क्या कहा जाता है, बायनोमियल, मतलब कि दो, बाय मींस दो, दो नोमियल, दो टर्म वाले। जैसे कि 2x + 1, 3x स्क्वायर + 4y, देखिए दो टर्म हो गए, क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। ये सारी चीजें इन शॉर्ट आप 8th में पढ़ के आया हो, लेकिन फिलहाल बेसिक में हमें ये सारी बातों को वापस रिकैप करना बहुत जरूरी है। थ्री टर्म, जिसके अंदर तीन टर्म होते हैं, उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। दिमाग में रखिएगा सारी बात को अच्छी तरीके से, क्या ट्राइनोमियल। देखिए तीन टर्म है, फिर वो ऐसा नहीं है कि वहां पे तीन अलग अलग प्रकार के वेरिएबल होने चाहिए, सिर्फ तीन टर्म होने चाहिए बस, क्या, पर वो टर्म अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर + 3y + 4y, तो वो तो दो ही टर्म है, 3y + 4y तो 7y, मतलब कि टर्म दो हो गए, मतलब वो गिना जाएगा बायनोमियल में। वो मिस्टेक ना हो ध्यान रखिएगा, क्लियर। अलग अलग जो भी हमारे पास टर्म है वो अलग अलग होने चाहिए, 2x स्क्वायर, 3x एंड 1, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वो चाहे क्यूबिक भी हो सकता है, चाहे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मतलब कि जिसका पावर 2 है, उसको मैं आगे दिखाता हूँ उसको नाम किस तरीके से दिया जाता है, क्लियर। तो ये जो है वो क्या है, हमने बाइफरगेट किया हुआ है, डिपेंड्स ऑन टर्म, वन टर्म देन मोनोमियल्स, टू टर्म्स देन बाइनोमियल, थ्री टर्म्स देन ट्राइनोमियल, क्लियर। नाउ मोर देन थ्री टर्म्स, चलिए यहां तक तो हमने समझ लिया कि भाई तीन टर्म होते वहां तक हम उसको मोनो, बायो और ट्रायो कहते हैं, पर मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, तीन से ज्यादा को हम कहते हैं पॉलीनोमियल। क्या कहते हैं, पॉली, पॉली जो वर्ड है ना, पॉली का मतलब ही होता है, पॉली लिटिन वर्ड, पॉली का मतलब मोर देन, बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, घर पे आप पॉलीथीन की बैग यूज करते हो, क्लियर ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन आप आगे जाओगे टेंथ में तो आपको पढ़ना आएगा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पूरी, जिसमें इथीन के बहुत सारे एटम, बहुत सारे मोनोमर जुड़ के बनाते हैं पॉलीथीन, मोनोइथीन, डाइथीन, ट्राइथीन, टेट्राइथीन, बहुत सारे इथीन होते हैं, उसको पॉलीइथीन कहते हैं, इसलिए तो उसको पॉलीथीन कहते हैं, क्लियर ना, समझ में आई बात। तो पॉली मींस बहुत ज्यादा, बहुत बहुत सारे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीनोमियल, मोर देन थ्री टर्म्स नोन एज पॉलीनोमियल, रेडी। अब पॉलीनोमियल को हम बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, अब डिग्री क्या है वो समझा देता हूं आपको पहले में, डिग्री मींस पावर, पूरे इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको कहते हैं डिग्री। वो आपको डिग्री समझ दिया तो देखिए ये पोर्शन पे आ जाइए, मैं आपको समझा देता हूं डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज व्हाट, हाईएस्ट पावर, किसी भी नोमियल, मोनोनोमियल, बायनोमियल, पॉलीनोमियल, किसी भी हो, किसी भी प्रकार के पॉलीनोमियल या किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मैं यहां पे एक और चीज मेंशन कर देता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहा जाएगा, आपकी डिग्री पूरे इक्वेशन की। जैसे कि देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पूरे के अंदर वेरिएबल कौन है, x, उस x का पावर 2 है, एक्चुअली में यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर, लेकिन मैक्सिमम पावर मैंने कहा हाईएस्ट पावर, वो क्या कहा जाता है, डिग्री, मीन्स हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, तो क्या होगा उसका डिग्री, क्या होगा 2। यहां पर देखिए 3x क्यूब 1x प्लस 5, अब यहाँ पे 3 डिग्री भी है और 1 डिग्री भी है, यानी कि पावर 1 भी है और 3 भी है, लेकिन हमें मैक्सिमम देखना है तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। यहाँ पे देखिए x प्लस 1, अब किसी भी वेरिएबल का ऊपर कुछ ना दिया होता उसका 1 डिग्री तो होता ही है, 1 पावर तो होता ही, वो तो आप जानते ही हो, किसी भी नंबर का 1 पावर तो होता ही है, यानी इसकी जो डिग्री हुई वो क्या हुई 1। यानी याद रखिए डिग्री मीन्स वॉट, मैक्सिमम पावर, डिग्री मीन्स वॉट, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, रेडी। चलिए अब हमारे प्रोडक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। पॉलीनोमियल जो है उसको हमने डिपेंड्स ऑन डिग्री बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन डिग्री, कि अगर एक डिग्री है, क्या है, अगर एक डिग्री है एक, तो हम उसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। याद रखिएगा ये जो है ना वो चैप्टर्स है पूरे आपके, इसके बाद का चैप्टर वही है लीनियर इक्वेशन, देन टेंथ के अंदर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब चैप्टर्स है पूरे के पूरे। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसलिए आपको टर्म समझा रहा हूं, अगर डिग्री 1 है तो वो क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन। सेकंड थिंग, डिग्री अगर 2 है तो उसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक। देखिए डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहा जाएगा,
या वन है तो ये लीनियर कहा जाएगा, अगर डिग्री थ्री है तो उसको क्यूबिक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्यूबिक कहा जाएगा, क्लियर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों को तो मैंने नाम दे दिया जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लेकिन फोर डिग्री हो तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल विथ डिग्री फोर, पॉलिनोमियल विथ डिग्री फोर, क्लियर। इसके तीन के स्पेसिफिक नेम है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, क्लियर। याद रखिएगा खास ये जो टर्म है वो टर्म दिमाग में बिठाइएगा किस तरीके से ये बने हुए हैं, रेडी। कुछ और कंसेप्ट है वहां पे देखिए, वो है कोऑफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोऑफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझिए, कोऑफिशिएंट मतलब क्या, साथ में मल्टीप्लाइड किया गया टर्म, क्या साथ में मल्टीप्लाइड किया गया टर्म, कोऑफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोऑफिशिएंट। कोऑफिशिएंट क्या होता है समझना, कोऑफिशिएंट मतलब कि मल्टीप्लाइड टर्म। जैसे कि देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, फोर, तो एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट कौन हुआ, फोर। x का कोऑफिशिएंट कौन हुआ, 3। x क्यूब का कोऑफिशिएंट कौन हुआ, 3। x का कोऑफिशिएंट कौन हुआ, 1। यानी कि साथ में जो मल्टीप्लाइड टर्म, देखिए मैंने वहां पे अंडरलाइन टर्म किया हुआ है x स्क्वायर, उसके आगे 4 है तो x स्क्वायर का कोऑफिशिएंट क्या होगा, 4। देन x का कोऑफिशिएंट क्या होगा, 5। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी -5। यहां पे देखिए साइन के साथ देखना है आपको, x का जो कोऑफिशिएंट है वो साइन के साथ लेना है, क्या है साइन के साथ, -5, क्या है साइन के साथ -5। तो वहां पे आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, वो जो -5 है वो -5 उसका कोएफिशिएंट होगा विद साइन आपको लेना है, रेडी। क्या लेना है, विद साइन आपको लेना है। तो ये जो -5 आपको विद साइन लेना है, उस बात को दिमाग में रखिएगा, वहां पे जो है यहाँ पे -5 साइन के साथ आएगा, क्लियर। यहाँ पे +4 है तो वो +4 रहेगा, तो वो जो है वो क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस मल्टीप्लाइड टर्म, दिमाग में रखिएगा खास। अब यहां तक जो था वो बेसिक था, यहां पे क्या था, बेसिक। ये सारी बातें आप लोग पढ़ के भी आए थे, और इवन नहीं पढ़ी है तो ये सारी चीजें बेसिक के अंदर गिनी जाएगी, क्लियर। नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस, जीरोस मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ x। सपोज वी हैव वन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2x + 1, देन वैल्यू ऑफ x जो कि हम या तो फाइंड करेंगे या तो आपको दी होगी, वो क्या कहा जाता है उसका जीरो। जीरो मींस व्हाट, वैल्यू ऑफ x मींस व्हाट, वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू या तो आप ढूंढोगे या जो दी हुई होती है वो कहा जाता है क्या, उसका जीरो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल याद रखिएगा खास, x की वैल्यू मैंने वहां मेंशन किया हुआ है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मींस व्हाटएवर वैल्यू आपके पास है, वेरिएबल जो भी दिया है, या x दिया है, चाहे y दिया है, व्हाटएवर वैल्यू दी होगी, क्लियर। अब उसको ढूंढना है, अगर दिया है तो हमें उसको सिर्फ चेकआउट करना होगा, पर अगर नहीं दिया हमें ढूंढना है तो उसको ढूंढने की तीन मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड फैक्टर थ्योरम, क्लियर। व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो याद रखिएगा, रिमाइंड आपको नाइन्थ के अंदर सिर्फ ये अभी फिलहाल यूज करनी है, रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो आपको टेंथ के अंदर यूज करनी है, और फैक्टर थ्योरम जो है ये आपको नाइन्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि वहां पे हमें पूरे फैक्टर्स पढ़ने हैं। नीचे मैंने टॉपिक लगाया हुआ है फैक्टराइजेशन, वो फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.5 में बहुत डिटेल में है, पूरा फैक्टर के डिपेंड ही है, रेडी। याद रखिएगा खास, तो ये तीन मेथड होगी जब आपको वेरिएबल ढूंढने रहेंगे, उसमें से फिलहाल आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, क्लियर। मैं बायफर्केट कर देता हूं, ये सारा जो है वो बेसिक है, वहां तक कोऑफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जहां पे हमने खत्म किया, वहां तक आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर पढ़ोगे, 2.2 के अंदर पढ़ोगे, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2.3 के अंदर पढ़ोगे, 2.2 के अंदर थोड़ा बहुत आएगा, उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमने ढूंढ लिया, उसके बाद फैक्टराइजेशन पूरा रहेगा, आखिरी की दो एक्सरसाइज है वो दोनों की दोनों एक्सरसाइज के अंदर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। या आपको जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है वो सारे एक्सरसाइज का बेसिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिर्फ एक चीज मैंने बाकी रखी है, वो है फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स के फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखने, खास याद रखिएगा, क्लियर। वहां पे जो फॉर्मूलाज रहेंगे वो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि उसके डिपेंड पे आप बहुत सारे फैक्टर्स निकालेंगे, क्लियर। बेसिक लेक्चर को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको उसको प्रॉपरली लर्न करना है, ग्रास्प करना है, और उसको कंपलसरी 2 टाइम लिखना है, क्लियर। क्योंकि जितनी बार आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी बार कम है, जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा, क्लियर। लेक्चर नंबर 1 के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।